लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ये हैं भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता, आखिरी नाम हैरान कर देगा। हम उन मंत्रियों और नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक बेहतरीन पढ़ाई का मुकाम हासिल किया और उन्होंने राजनीति में आने से पहले काफी पढ़ाई की। इनकी डिग्रियां देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक, डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के 13वें प्रधानमंत्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की है, वो भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। दो, पवन कुमार बंसल की शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करें तो बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ लॉ में इन्होंने डिग्री हासिल की। बंसल पर रेलवे से संबंधित एक घोटाले में आरोपी माना गया था। बंसल को रेलवे मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि मुख्य आरोपी उनके भतीजे के अलावा कोई नहीं था। तीन, ए राजा राजा ने बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ लॉ पूरी की। भारत 2G स्पेक्ट्रम मामले में दूसरे सबसे बड़े घोटाले में वे मुख्य आरोपी हैं। घोटाले में कथित राशि 1.76 लाख करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। वह वर्तमान में जमानत पर हैं और मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट में है। चार, कपिल सिब्बल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, मानव संसाधन विकास, IT, कानून और न्याय मंत्री रह चुके हैं। सिब्बल एक वकील हैं और हार्वर्ड लॉ स्कूल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, USA से लॉ डिग्री की मास्टर्स है। पाँच, लालू यादव, बहुत से लोग नहीं जानते कि लालू यादव बैचलर ऑफ लॉ के स्नातक हैं। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें 900 करोड़ रुपए के चारा घोटाले में दोषी पाया गया था। उन्हें 5 साल की जेल की अवधि में भेजा गया था। वर्तमान में वे जमानत पर बाहर है।